बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14। पहले मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा, उसके बाद ग्रामर्स के स्ट्रक्चर्स पे बात होगी और लास्ट पे आपने सवाल पूछने हैं। तब तक यू हैव टू स्विच ऑफ योर माइक्स। टू और थ्री पासर्स बाय, दो या तीन राहगीर हु हैड विटनेस्ड द एक्सीडेंट, जिन्होंने उस हादसे को देखा था। दो या तीन राहगीर जिन्होंने उस हादसे को देखा था। अब ये who had witnessed जो है witnessed the accident, ये passers by के meaning में इजाफा कर रहे हैं, इसलिए इसका तर्जमा हम उसके साथ पहले करेंगे। दो या तीन राहगीर जिन्होंने उस हादसे को देखा था, shouted चिल्ला उठे या पुकार उठे। दो या तीन राहगीर जिन्होंने उस हादसे को देखा था। विटनेस का मतलब ऑब्जर्व होता है, देखना। दो या तीन राहगीर जिन्होंने उस हादसे को देखा था चिल्ला उठे, स्टॉप हिम, उसे रोको, टेक द नंबर, उसका नंबर लिख लो। बट द ट्रक वॉज नो मोर टू सीन, लेकिन ट्रक नजरों से ओझल था, इन शॉर्ट थोड़ी ही देर में, इन शॉर्ट वाइल थोड़ी ही देर में, क्वाइट अ लार्ज क्राउड, काफी बड़ा हजूम, जो शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया, थोड़ी ही देर में काफी बड़ा हजूम जमा हो गया था। थोड़ी ही देर में काफी बड़ा हजूम जमा हो गया था। कलेक्टेड का मतलब गैदर्ड होता है, जमा होना, असेंबल्ड होना। दो या तीन राहगीर जिन्होंने इस हादसे को देखा था चिल्ला उठे, उसे रोको, उसका नंबर लिखो, लेकिन ट्रक नजरों से ओझल था। थोड़ी ही देर में काफी बड़ा हजूम जमा हो गया था। अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज बाइक, ट्रैफिक का इंस्पेक्टर ऑन हिज बाइक, अब ऑन हिज बाइक इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है ट्रैफिक इंस्पेक्टर के, तो इसके साथ इसका मिला के तर्जमा करेंगे। अपने मोटरसाइकिल पर ट्रैफिक का इंस्पेक्टर, अपने मोटरसाइकिल पे ट्रैफिक का इंस्पेक्टर रुका। The young man was badly hurt. नौजवान बुरी तरह से जख्मी था। पहले सब्जेक्ट आ गया the young man और फिर लाश पे चले गए। नौजवान बुरी तरह से जख्मी था। There were a lot of blood, बहुत सारा खून था। अब देर का तर्जमा चूंकि शुरू में जब आ जाए तो ये इंडिकेट करता है, यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा, ब्लड को, इसलिए इसका तर्जमा हम नहीं करेंगे। तो इर्द गिर्द काफी सारा खून बिखरा हुआ था, इर्द गिर्द काफी सारा खून बिखरा हुआ था। अब यहाँ पे चूंकि देर का तर्जमा नहीं करना तो कहां से शुरू करेंगे, अबाउट से शुरू करेंगे। अबाउट से मुराद क्या होगा, इर्द गिर्द। इर्द गिर्द काफी सारा खून बिखरा हुआ था। एंड ही वॉज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट, वो इंतहाई क्या होगा, मखदूश हालत में था। प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस, बहुत ही तशवीशनाक हालत में था। और वो पहले से ही फिर जो है ना लास्ट पे वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में था। अ कार वॉज स्टॉप्ड, एक कार को रोका गया। एंड ही वॉज लोडेड, एक कार को रोका गया। एंड ही वॉज लोडेड इन टू इट, और उसे उसमें डाला गया। अब लोड का वैसे मतलब लादना होता है, लेकिन चूंकि पर्सन है तो पर्सन के साथ लादने का वर्ड वो ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए इसको इसमें उसमें क्या होगा, रखा गया या उसमें क्या होगा डाला। ही वॉज लोडेड इन टू इट, उसे उसमें डाला। And taken to nearby hospital, और करीबी अस्पताल में ले जाया गया, उसे उसमें डाला गया और करीबी अस्पताल में ले जाया गया। अब लास्ट पे चले जाना, टू नियर बाय हॉस्पिटल, करीबी अस्पताल में ले जाया गया। When they reached, जब वो वहां पहुंचे, when वाली क्लॉज जब शुरू में आ जाए, वीक क्लॉज, तो उसके बाद कॉमा लगाना है यहाँ पे। जब वो वहां पहुंचे, he was just alive, वो तकरीबन अभी जिंदा ही था। जब वो वहां पहुंचे तो वो तकरीबन अभी जिंदा ही था। ऑन ड्यूटी दैट नाइट, उस रात को ड्यूटी पर, इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट शोबे हादसात, उस रात को ड्यूटी पर शोबे हादसात में वर असिस्टेंट सर्जन खान और दो नर्सें थी।
अब यहाँ पे देखिएगा, वर यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? असिस्टेंट सर्जन खान और टू नर्सेस को। उस रात को, शुरू में फ्रेज आ गया ऑन ड्यूटी, उस रात को ड्यूटी पर, उस रात को ड्यूटी पर शोबाए हादसात में, ये तीन फ्रेजेस आ गई, शोबाए हादसात में, उस रात को ड्यूटी पर शोबाए हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और दो नौजवान नर्सें थी। उस रात शोबाए हादसात में ड्यूटी पर दो असिस्टेंट सर्जन खान और दो नर्सें थी। दो नर्सें शनाज और गिल थी। क्या होगा? दो नर्सें शनाज और गिल थी। उस रात ड्यूटी पर शोबे हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और दो नौजवान नर्सें शहनाज और गिल थी। ही वॉज स्टिल वेयरिंग, वो अभी भी पहने हुए था हिज ब्राउन ओवरकोट, अपना बुरे रंगत का ओवरकोट या बादामी रंगत का ओवरकोट। वो अभी भी, पहले सब्जेक्ट फिर एडवर्ब, वो अभी भी, अब लास्ट पे चले जाना है, अपने बादामी रंगत का ओवरकोट पहने हुआ था, और लास्ट पे तर्जमा किसका आ जाएगा? वेयरिंग का। वो अभी भी अपना बादामी रंगत का ओवरकोट पहने हुए था, ओवरकोट और रेशमी गुलूबंद या स्काफ पहने हुए थे। वो अभी भी अपना बादामी रंगत का ओवरकोट और रेशमी गुलूबंद पहने हुए था। देयर वर लार्ज स्टेन्स, काफी लंबे लंबे धब्बे थे, बड़े बड़े, सॉरी, बड़े बड़े धब्बे थे। स्टेन का मतलब होता है मार्क्स ऑफ ब्लड, खून के, ऑल ओवर हिज क्लोथ, उसके तमाम कपड़ों पे। फिर यहाँ पे देर आ गया, तो जब देर आ जाए तो हम तर्जमा नहीं करते, तो यहाँ पे फिर लास्ट से हम चलेंगे, क्या बनेगा? ऑल ओवर हिज क्लोथ, उसके तमाम कपड़ों पर, उसके तमाम कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। अब ये ऑल ओवर द क्लोथ पहले आ गया, फिर दूसरे नंबर पे आ गया ऑफ ब्लड, खून के, और फिर आप आ गया नेक्स्ट वर्ड, बड़े बड़े धब्बे, और लास्ट पे वर्ब का तर्जमा किया थे। समवन हैड, किसी ने, हैड आउट ऑफ सिंपथी, अजराए हमदर्दी या हमदर्दी के साथ, प्लेस द यंग मैन्स ग्रीन फेल्ट हैड, नौजवान का ग्रीन, नौजवान का सबज सीधा हैट रख दिया था, ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर। अब सो दैट से पहले पहले क्लॉज है, तो इसका अलग से तर्जमा करेंगे। किसी ने अजराए हमदर्दी, ये बीच में इंटरप्शन आ गई, पहले भी कॉमा लगा दिया, बाद में भी कॉमा लगा दिया, आउट ऑफ सिंपथी। किसी ने अजराए हमदर्दी, अब लास्ट पे चले जाएं, वो क्या होगा? नौजवान का सीधा हैट, या फेल्ट हैट भी कहते हैं इसको, फेल्ट हैट उसके सीने पर रख दिया था। किसी ने अजराए हमदर्दी, नौजवान का सबस फेल्ट हैट उसके सीने पर रख दिया था। सो दैट इट शुडंट बी लॉस्ट, ताकि ये खो ना जाए या गुम ना हो जाए, ताकि ये खो ना जाए, ताकि ये खो ना जाए या गुम ना हो जाए। जी, तो ये तो था हमारा सेंटेंस की ट्रांसलेशन। अभी तक किसी को किसी सेंटेंस की या किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो पूछ लें दीजिए, किसी सेंटेंस की आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, फिर हम सर ग्रामर। पहले सेंटेंस की कर दें। जी, दो या तीन राहगीर, अब ये हु वाली क्लॉज उसके मीनिंग में इजाफा कर रही है। अब जरा देखिएगा, दो या तीन राहगीर who had witnessed, जिन्होंने उस हादसे को देखा था, जिन्होंने उस हादसे को देखा था। अब यहाँ पे who had witnessed किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? पासर्स बाय के। तो पासर्स बाय के साथ जो वर्ब है वो शाउटेड है, चिल्ला उठे, लेकिन इसके मीनिंग में इजाफा करिए एडजेक्टिव क्लॉज, तो इसका तर्जुमा इसके साथ मिला के करेंगे। दो या तीन राहगीर जिन्होंने उस हादसे को देखा था चिल्ला उठे, स्टॉप है, मुझसे रोको, इसका नंबर लो, लेकिन ट्रक नजरों से ओझल था। जी, और कुछ सवाल? चलें जी, अब हम आते हैं जी पासर्स बाय। पासर्स बाय जो है ये कंपाउंड नाउन है, इसको हम पासर्स, अगर प्लूरल लिखना हो तो पासर्स बाय होता है, पासर्स बाय नहीं होगा।
गलती होगी। अब ट्रक जो है, ट्रक में लिखा है टू बी सीन, तो अब ट्रक देखा जाता है या ट्रक देखता है, तो देखा जाना है तो क्या हो जाएगा, टू बी सीन हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, जब हम एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब लगाते हैं तो वो उससे पहले लगता है। मसलन क्या होगा, ही इज कंफ्यूज्ड, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो, या बहुत ज्यादा एक्सेसिवली लगाना हो तो एक्सेसिवली कहाँ पे लगेगा, पहले लगेगा ही इज कंफ्यूज्ड एक्सेसिवली, या उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जब हमने एडवर्ब के साथ इस्तेमाल, एडजेक्टिव के साथ लगाना हो तो एक्सेसिवली को हम कहाँ पे यूज करते हैं, वो पहले लगाते हैं। यानी कि ये राइट तरीका होता है एडजेक्टिव को, ये जना वो गलत होगा और ये वाला सही होगा। तो ये दो एडजेक्टिव को हम कहाँ पे यूज करते हैं, एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब को हम कहाँ पहले इस्तेमाल करते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा, वो गलत होगा। उसके बाद ट्रक जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो टू बी सीन हो जाएगा, यानी कि वो देखा जाना है, तो इसलिए वहां पे हमने टू बी सीन लगाया। यहाँ पे इसीलिए बैडली हर्ट है, बैडली पहले लगाया, हर्ट बाद में लगाया। प्रिकेरियस स्टेट, ये स्टेट चूंकि सिंगल है तो उसके साथ हमने ए इस्तेमाल किया। लोडेड के साथ एंटू किसी चीज में रखना हो, अब यहाँ पे वर किसके हिसाब से लगाया, वर आप देख रहे हैं दो लोग हैं आगे, बल्कि तीन लोग हैं, यंग नर्सेस, तो इसको रेफर कर रहा है तो इसलिए इसके हिसाब से वर इस्तेमाल किया। यानी जब देर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो सब्जेक्ट चूंकि बाद में होता है उसके हिसाब से हम करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि क्या यह ब्लड के हिसाब से वर है या स्टेन के हिसाब से ब्लड है, तो जाहिर है इसका सब्जेक्ट बेसिकली स्टेन है। फिर सवाल पैदा होगा ब्लड क्या है, तो ब्लड ऑफ ब्लड ये फ्रेज है, ये स्टेन के मीनिंग में इजाफा करिए। तो स्टेन के हिसाब से आपने वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया, स्टेन के हिसाब से आपने वर्ब वर का इस्तेमाल किया। तो ये थे हमारे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स जो अभी तक हमने पढ़े। इसके बारे में कोई सवाल हो जी किसी का, किसी चीज की समझ नहीं आई तो? ये पासर्स बाय के बारे में आपने क्या बताया? पासर्स बाय मैंने बताया है कि जब पासर्स बाय लगाएंगे तो अगर प्लूरल बनाना होगा तो पासर के साथ ऐसे लगेगा, ना कि बाय के साथ ऐसे लगेगा। पासर बाइज नहीं होगा, पासर्स बाय होगा जी। Any other question? Clear है जी? तो जी आप sentence जरा ठीक कीजिएगा, शाबाश। Passers by. Passers by. Next. To be watched. To be watched हो जाएगा. Utterly confused. Utterly confused हो गया. Loaded with होगा, कोई चीज बरी हो किसी से तो उसको हम कहते हैं loaded with होगा। अब यहाँ पे chief guest है ना, वो क्या हो जाएगा, वो subject है और उसके हिसाब से has हो जाएगा। Where were क्योंकि grains को indicate कर रहा है तो इसलिए उसके साथ वर लगाया। यानी सब्जेक्ट ये रूम नहीं है, हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि शायद ये रूम के साथ वर लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट आपका ग्रेन्स के बारे में बात हो रही है तो वर उसी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे जी। बच्चों अब यहाँ पे सवाल है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द जाहिर है कंडीशन क्या थी उसकी, आफ्टर यंग मैन वो बहुत बुरी हालत थी, प्रीकेरियस स्टेट थी और वो बैडली बॉन्डेड था। उसके बाद अगला सवाल है कि हु टुक हिम टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल उसे कौन लेके गया, और इसमें कौन कौन से लोग हैं, कुछ पासर्स बाय थे, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर था, उन्होंने उसे गाड़ी में लाद के हॉस्पिटल लेके गए। और अगला सवाल है कि हु वर there in the on duty, और on duty कौन से लोग थे, तो assistant surgeon खान और दो नर्सें शनादर गिल। ये तो था जी हमारा
हमारे जो सवालात हैं वो थे जो इस पैराग्राम में से होंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट है वो उसको देख के कहती है सीम्स क्वाइट वेल टू डू. काफी खुशहाल महसूस होता है क्योंकि जाहिरी तौर पे उसने ओवरकोट पहना हुआ था और फैशन पूरा किया हुआ था. वेल टू डू का मतलब होता है वेल्दी. काफी खुशहाल महसूस होता है ये दिखाई देता है. नर्स शनाद सेड टू द नर्स गिल. नर्स शनाद ने नर्स गिल से कहा टू विच शी रिप्लाइड इन अ लो टोन जिसका उसने धीमी आवाज में या मध्यम आवाज में जवाब दिया. ऑल टॉक्ड अप ये सारी तैयारी. टॉक्ड अप का मतलब ड्रेस अप होना लिबास पहनना अटायर्ड होना. ये सारे तैयारी की फॉर सैटरडे नाइट. पुअर बेचारे ने सारी तैयारी हफ्ते की रात के लिए की थी. डिड दे कैच द ड्राइवर. क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा. नो ही गॉट अवे. नहीं वो चला गया या भाग गया. व्हाट अ पिटी हाय अफसोस. व्हाट अ पिटी हाय अफसोस ये एक्सप्रेशन है. वैसे पिटी के साथ हम एन नहीं लगाते लेकिन जब एक्सप्रेशन में यूज करें तो हम इस्तेमाल करते हैं. या हमारे वो सेंटेंसेस जहां पे हमने इसके साथ दैट की क्लॉज आ जाए वहां पे लगाते हैं. जैसे यहाँ पे ही फील्स अगर हो तो आ पिटी नहीं होगा बल्कि क्या होगा पिटी होगा क्योंकि यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया तो फिर फील पिटी होगा. और अगर इट इज अ पिटी दैट He is wasting his time. अफसोस है कि वो अपना वक्त जाया कर रहा है. तो ये वहां पे हम it is a pity लगा सकते हैं. वैसे pity के साथ आ नहीं लगता लेकिन अगर that की clause आगे लगानी हो ये that he is wasting time तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. It is pity. It is a wonder that he क्या होगा is careless. वो बहुत वो लापरवाह है. It is wonder, it is pity. इसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं करते. तो उसके बाद है in the operating theater, operation theater में the assistant surgeon and two nurses, assistant surgeon खान और दो नर्सें with their faces अपने चेहरों को conceal behind mask. क्या होगा mask के साथ छुपाए हुए. conceal का मतलब हाइड करना छुपाना होता है. अब ये with their faces concealed behind masks. अब ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है. ये दोनों के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. assistant surgeon और दो नर्सें. अब जब हमने इसके मीनिंग में था इसका हम तर्जमा उसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा. ऑपरेशन थिएटर में अपने चेहरों को मास्क के साथ छुपाए हुए assistant surgeon और दो नर्सें were attending the young man. नौजवान का मुआयना कर रहे थे. दोबारा सुनिएगा जो शुरू में फ्रेज आ गई वो शुरू में ही तर्जमा कर दिए. क्या होगा जो शुरू में आ गई फ्रेज वो शुरू में ही तर्जमा कर दी. जैसे इन ऑपरेटिंग थिएटर ऑपरेशन थिएटर में ये शुरू में फ्रेज आ गई. अब असिस्टेंट सर्जन और दो नर्सों के मीनिंग में इजाफा कर रहा है विद देयर फेसेस कंसील्ड बिहाइंड मास्क. तो क्या होगा अब ये अगली फ्रेज उसके मीनिंग में इजाफा कर रही है. तो मास्क के साथ अपने चेहरों को छुपाए हुए असिस्टेंट सर्जन दो नर्सें वो नौजवान की का मुआयना कर रही थी. ओनली देयर आईज वर विजिबल. सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी या नुमायां थी. सिर्फ उनकी आंखें नुमायां थी या नजर आ रही थी. He was lying. वो पड़ा हुआ था on white marble slab एक सफेद संगमरमर की क्या होगा मेज पर. वो सब्जेक्ट आ गया फिर लास्ट पे चले जाना है. वो एक सफेद संगमरमर की मेज पर पड़ा हुआ था. वो एक सफेद संगमरमर के बेस पर पड़ा हुआ था. His hair was still smooth. उसके बाल अभी भी नरमो मालाइम थे. Against his temples अपने उसकी कनपटियों पर. उसके बाल क्या होगा उसकी कनपटियों पर उसके बाल. Against his temples किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है. ये हेयर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो इसके साथ हम क्या होगा
उसके साथ में ला के पढ़ेंगे। उसकी कनपटियों पे बाल अभी भी मलायम थे या नरम मलायम थे। उसकी कनपटियों पे बाल अभी भी मलायम थे, उसके कलमों के बाल अभी भी मलायम थे। द यंग मैन सेंटेड ऑयल, द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल, तेज खुशबूदार तेल, तेज खुशबूदार तेल विद विच जो कि उसने लगाया था इट अर्लियर दैट इवनिंग, उस शाम की इब्तदा में। तेज खुशबूदार तेल जो कि उसने उस शाम को लगाया था, ये विच उसके मीनिंग में इजाफा कर रही है सेंटेड ऑयल के मीनिंग में। तेज खुशबूदार तेल जो उसने उस शाम को, शाम की इब्तदा में लगाया था, अर्लियर पहले, दैट इवनिंग उस शाम। तेज खुशबूदार तेल जो उसने उस शाम की इब्तदा में या शाम के आगाज में लगाया था, सेंटेड का मतलब ऑर्डर्ड परफ्यूम्ड, स्टिल गेव आउट अभी भी देता था अ फेंट ऑर्डर मदम खुशबू, या क्या होगा थोड़ी थोड़ी खुशबू। तेज खुशबूदार तेल जो कि उसने उस शाम की इब्तदा में, शाम जनब की इब्तदा में लगाया था, उससे हल्की हल्की खुशबू अब भी आती थी, उससे हल्की हल्की खुशबू अब भी आती थी। गिव आउट का मतलब होता है रिलीज करना, ऑमिट करना, यानी के रिलीज करना, उसको हम क्या कहते हैं, गिव आउट कहते हैं। तेज खुशबूदार तेल जो कि उसने शाम की इब्तदा में लगाया था, उसे अब भी हल्की हल्की खुशबू आती थी। His clothes were now taken off. उसके कपड़े अब उतारे जा रहे थे। His clothes were now being taken off. उसके कपड़े अब उतारे जा रहे थे। अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, his clothes, उसके कपड़े, अब लास्ट पे being taken, अब एडवर्ब आ गया, अब being taken off उतारे जा रहे थे। Take off का मतलब उड़ना भी होता है, take off का मतलब तेजी से भागना भी होता है, और take off का मतलब उतारना भी होता है। The first thing was to be removed. जो चीज पहली उतारी जानी थी, अब यहाँ पे to be removed उतारना है या उतारा जाना है, क्योंकि उतारा जाना है तो to be removed हो गया। पहली चीज जो उतारी जानी थी वो white silk scarf, वो सफेद रेशमी गुलूबंद था। पहली चीज जो उतारी जानी थी वो सफेद रेशमी गुलूबंद था। पहली चीज जो उतारी जानी थी वो सफेद रेशमी गुलूबंद था। उसके बाद बनीथ अ स्कार्फ, अ स्कार्फ के नीचे, देयर वाज नाइदर टाई नॉर अ कॉलर, ना टाई थी और ना ही कॉलर था। गुलूबंद के नीचे, गुलूबंद के नीचे ना टाई और ना ही क्या होगा, गुलूबंद के नीचे ना टाई और ना ही कॉलर था। नॉट इवन अ शर्ट, ना के हत्ता के शर्ट थी या कमीज थी। व्हेन द ओवरकोट वाज रिमूव्ड, जब ओवरकोट को निकाला गया या उतारा गया, इट वाज फाउंड, पता चला, द यंग मैन वाज वेयरिंग अंडरनीथ ओनली अ ओल्ड कॉटन स्वेटर। जब, अब ये पहली क्लॉज है, जब ओवरकोट को उतारा गया, इट वाज फाउंड, पता चला, जब ओवरकोट को उतारा गया तो मालूम हुआ, इट वाज फाउंड, अगली क्लॉज है, इट वाज फाउंड, पता चला या मालूम हुआ, दैट यंग मैन वाज वेयरिंग, नौजवान पहने हुए था अंडरनीथ, नीचे से ओनली अ ओल्ड कॉटन स्वेटर, एक सूती स्वेटर, विच वाज ऑल इन होल, जिसमें सब में सुराख थे, ये जिसमें सारे के सारे सुराख थे। दोबारा से, जब ओवरकोट उतारा गया तो मालूम हुआ कि नौजवान नीचे से सिर्फ एक पुराना सूती स्वेटर पहने हुए था, नीचे से महज एक पुराना सूती स्वेटर पहने हुए था, विच वॉज ऑल एंड होल, जिसमें सब में, ये जिस स्वेटर में सारे के सारे सुराख थे। जब ओवरकोट उतारा गया तो मालूम हुआ कि वो नीचे से महज एक पुराना सूती स्वेटर पहने हुए था, जिसमें सब के सब सुराख थे। जी बच्चों, किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो पूछ लें, क्लियर है सब? अब देखिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ऑल टॉक्ड अप, ये सारी तैयारी, यस, ये सब कुछ उसने बेचारे ने हफ्ते की शाम के लिए किया था। टॉक्ड अप का मतलब ड्रेस अप होना, तैयार होना।
सारी तैयारी बेचारे ने हफ्ते की शाम के लिए की। ठीक, और कोई सवाल? क्लियर है जी? आगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिएगा। अटेंड ऑन का मतलब होता है किसी की तिमारदारी करना, और अटेंड टू का मतलब होता है किसी की बात सुनना। तो कहते हैं अटेंड टू। अटेंड ऑन का मतलब क्या होगा? किसी की बात सुनना है। अटेंडिंग ऑन द पेशेंट, जैसे क्या होगा, पेशेंट की देखभाल करना है। और अटेंड टू का मतलब होता है लिसन, जैसे ही इज अटेंडिंग टू हिज टू माय कन्वर्सेशन, यहाँ पे सुनना मुराद होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखनी है, नाइदर नॉट के साथ जो भी कॉम्बिनेशन लगाएंगे वो सेम होना चाहिए। मसलन ही इज नाइदर क्या होगा, फूलिश नॉर क्रेजी ली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि फूलिश भी एडजेक्टिव है और उसके अलावा क्रेजी भी एडजेक्टिव है, क्रेजीली एडवर्ब हो जाएगा। आइदर नॉर या आइदर और के साथ सेम टाइप ऑफ वर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ टाई है तो यहाँ पे भी आ कॉलर है, यानी सेम फ्रेज है तो फ्रेज, वर्ड है तो वर्ड, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, नाउन है तो नाउन, इसी तरह से यूज करते हैं। ये वर्ड का मतलब एमिट करना होता है, रिलीज करना होता है। चलें जी बच्चों, जरा सेंटेंस ठीक कीजिएगा। लास्ट वाले कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? अटेंड टू या अटेंड ऑन? अटेंड टू हो जाएगा। नेक्स्ट वाला अटेंड ऑन। अटेंड ऑन ठीक है। नॉर अ है ड्रेस, जी शाबाश। नाइदर और नार के साथ ये आ है तो ये भी आ जाएगा, शाबाश। बाय मैनी, बाय बाय, अटेंडिंग बाय मैनी हो गया। गिव आउट हो गया, गिव अप छोड़ देना होता है। यहाँ पे वो क्या है, आवाज निकलना, एमिट करने को हम क्या कहते हैं, गिव आउट कहते हैं जी। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है, थ्रू ऑल दीज होल्स, इन तमाम सुराखों में से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द डर्टी वेस्ट, गंदी बुनियान, विच वॉज इवन इन वर्स स्टेट, जो कि उससे भी बदतर हालत में थी। इन सुराखों में से, यहाँ पे शुरू में फ्रेज आ गई, इन सुराखों में से कोई भी गंदी बुनियान को देख सकता था, जिसमें सब में सुराख थे, जिसमें गंदी बुनियान को देख सकता था, जो कि उससे भी बदतर हालत में थी, वो जो कि स्वेटर से भी ज्यादा बदतर हालत में थी। यहाँ पे वर्स स्टेट है, यानी कि स्वेटर से भी ज्यादा बदतर हालत में थी। इन सुराखों में से कोई भी गंदी बुनियान को देख सकता था, जो कि हत्ता के स्वेटर से भी ज्यादा बदतर हालत में थी। लेयर्स ऑफ डर्ट, मिट्टी की तहें, क्या कवर्ड इस बॉडी, उसके जिस्म पे थी, या उसके जिस्म मिट्टी की तहों से भरा हुआ था, उसका जिस्म मिट्टी के मिट्टी की तह भी कह सकते हैं या मैल से भी कह सकते हैं, मैल जिसका हम कहते हैं, उसका जिस्म क्या होगा, मैल से भरा हुआ था। ही कुड नॉट हैव हैड अ बाथ, वो नहाया नहीं था या नहा नहीं पाया था, फॉर एटलीस्ट टू मंथ्स, कम से कम दो महीनों से। वो अब सब्जेक्ट आगे फिर लास्ट पे चले जाना है, कम से कम दो महीनों से नहा नहीं पाया था। कुड जाना वो कर सकना या नहा नहीं सकता, सका था या नहा नहीं पाया था, वो कम से कम दो महीनों से नहा नहीं पाया था। ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी वॉज क्लीन, महज उसकी गर्दन का बालाई हिस्सा साफ सुथरा था, एंड वेल पाउडर्ड, अच्छी तरह से पाउडर लगा हुआ था। सिर्फ उसके जिस्म का, सिर्फ उसके गर्दन का बालाई हिस्सा, ये आपका सब्जेक्ट है, सिर्फ उसकी गर्दन का बलाई हिस्सा साफ सुथरा और अच्छी तरह से पाउडर लगा हुआ था। द शूज एंड द सॉक्स नाउ केम अप, अब क्या होगा, अब जूते और जुराबों को उतारा गया। कम ऑफ का मतलब हैपन होना भी होता है, और कम ऑफ से मुराद रिमूव करना भी होता है। अब जूते और जुराबें उतारी गई। द शूज वर ओल्ड, जूते पुराने थे, बट ब्राइटली पॉलिश, लेकिन अच्छी तरह से पॉलिश किए गए थे। जूते पॉलिश थे और जूते पुराने थे लेकिन अच्छी तरह से पॉलिश किए गए थे। एज टू सॉक्स, और जहां तक जुराबों का मामला है, इन कलर एंड पैटर्न,
रंगत और डिजाइन के एतबार से, रंगत और डिजाइन के एतबार से वन वॉज क्वाइट डिफरेंट, एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ था, फ्रॉम द अदर दूसरे से। जहां तक जुराबों का मामला है वो रंगत और डिजाइन के एतबार से एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थे। एस टू सॉक्स, जहां तक जुराबों का तअल्लुक है, अगली फ्रेज आ गई इन कलर एंड पैटर्न, रंगत और डिजाइन के एतबार से एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थी, एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थी। देर वर होल्स एट द हील्स, एड़ियों पर सुराख थे, देर वर होल्स एट द हील, एड़ियों पर सुराख थे, एंड वर द फ्लैश शोड थ्रू द होल्स, और एड़ियों से गोश्त नजर आता, जिस्म नजर आता था। यहाँ पे वैसे फ्लैश को गोश्त कहते हैं लेकिन यहाँ पे मुराद जिस्म है, और एड़ियों से जिस्म नजर आता था, एड़ियों पर सुराख थे और जिस्म से जिस्म नजर आता था, ये जिसके सुराखों में से जिस्म नजर आता था। इट वॉज ग्रिम्ड विद डर्ट, ये मैल से भरा हुआ था या अटा हुआ था, ये मैल से भरा हुआ था। ग्रिम का मतलब होता है भरा होना, हैवी होना, ये मैल से भरा हुआ था। He was now dead, अब तक वो मर चुका था, and his lifeless body, और उसका बेजान जिस्म ले पड़ा हुआ था, on the white marble slate, सफेद संगे मरमर की सिल पर। वो अब तक फौत हो चुका था और उसका जिस्म सफेद संगे मरमर की सिल पर पड़ा हुआ था। The following were few things, मदरजल चंद चीजें हैं, which were found, जो के मिली, in various pockets, उसकी मुख्तलिफ जेबों में, of his overcoat, उसके overcoat की। मदरजल चंद चीजें उसकी मुख्तलिफ जेबों में मिली, या मदरजल क्या का चंद चीजें, या मदरजल चीजें थी जो उसकी मुख्तलिफ जेबों से मिली, या उसके overcoat की मुख्तलिफ जेबों से मिली। The following were the few things, मदरजा जैल चंद चीजें थी, मदरजा जैल चंद चीजें थी जो के, अब लास्ट पे चले जाना है, उसके ओवर कोट की मुख्तलिफ जेबों से मिली, लास्ट पे फाउंड आ गया। अब यहाँ पे हमने देखा कौन कौन सी चीजें थी, स्मॉल ब्लैक कम, एक छोटी स्याह कंगी, हैंडकरचीफ, एक रुमाल, 6 आनाज और फ्यू पाइस, 6 आने और चंद पैसे, हाफ स्मोक सिगरेट, आधा पिया हुआ सिगरेट, अ लिटिल डायरी, एक छोटी सी डायरी, इन विच द नेम एड्रेसेस ऑफ फ्यू पीपल वर नोटेड, चंद लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे, जिसमें चंद लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे, अ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन के गानों की फरिश्त, फ्यू हैंडबिल्स, चंद इश्तहारात, विच डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड थ्रस्ट अपॉन, जो के बांटने वालों ने उसके हाथों में थमा दिए थे, थ्रस्ट अपॉन का मतलब हैंड ओवर करना, During his evening promenade, उसकी शाम की सैर करनी, जो के पहले सब्जेक्ट आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर बांटने वालों ने, अब लास्ट पे चले थे, उसकी शाम की सैर करनी के दौरान उसको थमा दिए थे। मुदायजल चंद चीजें थी जो उसकी ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से मिली, उनके नाम लिख देने हैं, एक छोटी सी काली कंगी, एक रुमाल, 6 आने, चंद पैसे, आधा सिगरेट पिया हुआ सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे, ग्रामोफोन के गानों की फरिश्त, चंद इश्तहारात जो के बांटने वालों ने उस शाम की चहलकदमी के दौरान उसके हाथों में थमा दिए, शाम के चहलकदमी के दौरान उसके हाथों में थमा दिए जी, तो क्या अगर शाम की चहलकदमी उसके हाथों में थमा दिए थे, Alas, his little can. अफसोस उसकी छोटी सी बैद की छड़ी, which was perhaps lost on at the time of accident, जो कि शायद उस हादसे के वक्त खो गई थी, was not included in the list, वो इस फरिश्त में शामिल नहीं थी, लेकिन अफसोस वो छोटी सी छड़ी जो शायद हादसे के वक्त खो गई थी उस लिस्ट में या उस फरिश्त में शामिल नहीं थी। What was found in his क्या होगा pockets? उनके नाम लिख देने हैं, जो जो चीजें मिली थी उसके नाम लिख देने हैं। जी बच्चों, आप बताइएगा ट्रांसलेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है इसमें से तो बताइएगा। क्लियर है? चलन जी, अब हमने देखेंगे आगे के दो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं, हैड हैड और हैज, दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। हैड हैड ये परफेक्ट टेंस को शो करता है, और हैज
had ये present ये past perfect है और had ये present का perfect है. तो ये याद रखना है पहले वाला helping verb है और जो distinct करता है और दूसरे वाला auxiliary verb है. तो इस तरह से हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको. दूसरी words जो है bad, worse और worst, ये तीन डिग्री होती हैं. अब चूंकि यहाँ पे दो चीजों का मुकाबला था, यहाँ पे हमने देखा कैसे कहते हैं वो कि उससे भी ज्यादा खौफनाक हाल, स्वेटर से भी ज्यादा बुरी हालत में थी, तो यहाँ पे दो चीजों का मुकाबला है, तो वर्स्ट स्टेट हमने इस्तेमाल की. हैव हैड का मैंने बता दिया. वेल पाउडर्ड ब्राइटली पॉलिश. अब ये वर्ब के मीनिंग में जो इजाफा कर रहे हैं वर्ब, ये सारे के सारे एडवर्ब होने चाहिए. जैसे यहाँ पे वेल पाउडर्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, पॉलिश ब्राइटली पॉलिश के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं. उसके बाद ग्रिम के साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं हम विद का, और थ्रस्ट उपान होता है किसी के हवाले कर देना. इंक्लूडेड के साथ हम जब एडजेक्टिव के तौर पे आ जाए तो उसके साथ हम इन लगाते हैं. अब सेंटेंस ठीक कीजिएगा जी जरा आपने. कमान हैड हो जाएगा. इफ ही हैड होगा. हैज हैड लगाना हो तो यहाँ पे फिर विल लगाएंगे. ही विल बी सक्सेसफुल हो जाएगा. शाबाश. उसके बाद come off badly का मतलब क्या होता है? क्विट कर देना, छोड़ देना, इसको हम कहते हैं come off. इसका मतलब उतरना भी हो गया, come off का मतलब happen होना भी होता है. जी ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 14. अब उसके इसका क्वेश्चंस पे आते हैं जी. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज या व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट. जी हु विल डू इट जी. The young man was badly hurt. He has a lot of blood about on the road. He was in a precarious state. He was just alive when he was taken to the hospital. The young man was badly hurt. There was a lot of blood. Or he was in a precarious state. He was just alive when he was taken. Vakar, you have raised hands. There was one assistant surgeon and two young nurses on the duty. Their name were Khan. The assistant surgeon was Khan and the two young nurses were Shehnaz and Gil. जी, there were one surgeon and two nurses on the क्या होगा duty in the casualty department. Their names were Khan, Shehnaz and Gil respectively. Next question जी, कौन करेगा? जी ऑफिस. The articles found in the coat of the young man were a small camber handkerchief, few handbills. He was a poor man, but he had tried to pose himself a rich person. शाबाश. He was a poor man, but had tried to pose himself. Idea of the story क्या है जी? Next question कौन करेगा? What is the idea of the story? हसनैन. एनीवन जी, कोई भी करेगा. द स्टोरी इज अ क्रिटिसिज्म ऑन द सोसाइटी. People poses themselves differently from what they are. They try to hide their reality by using the overcoats of falsehood, and they were always beaten. This story is a criticism on the society. People pose themselves differently. They try to hide their reality, but reality is always bitter and harsh. Moral lesson क्या है जी? कौन करेगा से moral lesson को? The story gives us a lesson of contentment
We should cut our coat according to our cloth. We should cut our cloth, coat according to cloth. हमें अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए. Come on, जी, now boys, you have to do all this. Come on. Interior. Drab interior. Drab से क्या मुराद होगा? Dark. Dark. Conscious. Lettering होता है किसी की बहुत तारीफ करना. Crowded. Packed. Heavy. Packed हो गया किसी के साथ बड़ा होना stuff के साथ. Fatal. Deadly. Deadly. Deadly हो गया. Care. Full of care. Worries. Worries हो गया. Checked. Checked. क्या हो गया? रिप्रेस का मतलब चेक होगा, रोक देना किसी चीज का. Suede shoes. Soft leather. Soft leather हो गया. Redemptive. Forgive होता है माफ के देने वाला, छोड़ देना. Quacks का मतलब जी, quacks का मतलब होता है माइल करना, किसी को फ्लैटर करना. सेप्टर का मतलब क्या होता है? सेप्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मुराद रॉड होगा, जो एक किस्म का रोब दाब की अलामत होती है, उसको हम कहते हैं सेप्टर. उसके बाद नेक्स्ट है जी चौधरी फतेहदाद रेप्रीमांडेड अबुअल किसके लिए रेप्रीमांड किया? फॉर मेकिंग जॉन ग्रो करता है वॉलनट केक, इंग्लिश वॉलनट. उसके बाद फ्लैश ऑफ लाइट में कौन देखता है? अ मैन्स फेस. और हैरी की वाइफ का नाम क्या था? कोरा. लारा उसकी बेटी थी. और कैमल मैन स्टे किया अंडर अ क्लंप ऑफ ट्री. आप किस लिए जी? हेड बैटर के बाद क्या आएगा जी? गो. गो आएगा. बी मैट मी. मैट मी जी. उसके बाद लास्ट ऑफ सेगमेंट है जी प्रोग्राम का. चलें जी जल्दी से करेक्शन बताते जाना जी, कौन से गलत है इसमें. सही है. All his luggage. All his luggage हो गया. Luggages नहीं होता, uncountable noun है. Sceneries of Murray. Scenes of Murray होगा. Sceneries और uncountable noun होता है. उसके साथ हम sceneries नहीं लगाते. ठीक. उसके बाद. Stationery. ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसकी जमा भी नहीं होती. स्टेशनरीज नहीं लगाएंगे. सीजर्स आर होती है. ये वो नाउन है जिनको हम होती चीज सिंगल होती है लेकिन इसको प्लूरल इस्तेमाल करते हैं. सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स, शूज वगैरह. जी आर माइन. स्टॉकिंग्स आर होगा जी. मैनी पोएम्स हो गया. बच्चों आज के लिए इतना ही, कोई सवाल हो तो पूछ लें. Bye-bye.
अल्लाह हाफिज़।